400 साल से भी ज्यादा पुराना है भगवान राम का यह मंदिर, जुड़ी है कई मान्यताएं। यहाँ भगवान राम की चरण पादुका की होती है पूजा। आज भी भगवान राम के पदचिन्हों के निशान, सुबह शाम लगता है भक्तों का मेला, पूरी होती है लोगों की मुरादें। रामनवमी को लेकर प्रभु रामचंद्र की नगरी अयोध्या राममय हो चुकी है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आपको कई ऐसे ऐतिहासिक मंदिर और कई प्राचीन धरोहर देखने को मिलेगी जिनका अपना ऐतिहासिक प्रमाण रहा है। हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां भगवान राम की शिला रूपी चरण देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड अल्मोड़ा के मल्ला महल में रामशिला मंदिर स्थापित है। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 400 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर में रामनवमी के दिन काफी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो जाती है। अल्मोड़ा के मल्ला महल में राजा रुद्रचंद्र ने 1588 में राज रामशिला मंदिर की स्थापना की थी। राजा ने राजमहल के पास ही भगवान राम के चरणों को स्थापित किया था ताकि यह भगवान राम के चरणों की श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सके। पुजारी प्रमोद पाठक ने बताया कि यह मंदिर चंद्रवंश राजाओं के द्वारा बसाया गया था। यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। काफी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। भगवान राम की शिला रूपी चरण पादुकाओं को श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा लोग अपनी मनोकामना भी लेकर यहाँ आते हैं। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ दोबारा से आकर भगवान के दरबार में पूजा अर्चना करते हैं। रामनवमी पर आज सुबह 4 बजे से भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा कर रहे हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर के मल्ला महल कलेक्टर में 428 साल पुराना रामशिला मंदिर समूह उत्तर मध्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिरों की नगरी अल्मोड़ा में अष्ट भैरव, नव दुर्गा व पंच गणेश के अतिरिक्त कई लोक देवताओं के मंदिर स्थापित है। उन्हीं में से एक है कलेक्टर का आकर्षण प्राचीन रामशिला मंदिर समूह। पर्यटन सीजन में यहाँ पहुंचने वाले देशी व विदेशी पर्यटक हर साल मंदिर की वास्तुकला को देखने पहुंचते हैं। श्रद्धालु बताए कि यह काफी साल से इस मंदिर में आ रही है। प्रभु रामचंद्र सभी के लिए एक आस्था का प्रतीक है। वह इस मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। श्रद्धालु लीला बोरा ने बताया कि सभी राम जन्मभूमि अयोध्या नहीं जा सकते, लेकिन अल्मोड़ा के रामशिला मंदिर आकर भगवान रामचंद्र की चरण पादुका के दर्शन कर रहे हैं। वह भी पिछले कई वर्षों से इस मंदिर में आ रहे हैं। इस मंदिर में लोगों की आस्था आज भी बरकरार है। कुमाऊं के राजा रुद्रचंद्र ने 1588 में राम मंदिर समूह की स्थापना की। तब से यह मंदिर लोगों की अथाह आस्था का केंद्र बना है। इस मंदिर समूह के केंद्रीय कक्ष में विशाल प्रस्तर पर युगल चरण अंकित है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण चिन्हों की मान्यता प्राप्त है। इस मंदिर के पास की अगल बगल भैरव व जगत जननी माँ दुर्गा के मंदिर स्थापित है। मंदिरों की दीवारों में विभिन्न देव प्रतिमाओं व शिला चित्रकारों से इसकी पुष्टि होती है। इस मंदिर समूह के 3 मंदिर ऊंचे व विशाल का चबूतरे में निर्मित किए गए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के ललाट पर गजलक्ष्मी की प्रतिमा उकेरी गई है। बाह्य भित्तियों पर 12 राशों का सुंदर चित्रांकन किया गया है।